वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं लिपिका और आज मैं आप सबके सामने एक नई रेसिपी लाई हूं, और जो है ढोकला जो सबके घर में बनता ही है नॉर्मली। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं ढोकला बनाना। देख लेते उसके लिए क्या क्या चाहिए। ये है सबसे पहले अदरक का पेस्ट, लेमन जूस, इनो खाने का तेल, ये है ग्रीन चिली पेस्ट, और इधर है शक्कर, नमक और थोड़ा सा हल्दी, और इसके साथ में जाएगा ये है लिप वार्म वाटर, थोड़ा सा गुनगुना पानी, और ये है बेसन। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले हमने कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिया है। आज हम बनाने वाले हैं कढ़ाई में, और कढ़ाई से डबल बॉयलर बनाएंगे, और इसके अंदर हमने रख दिया है ये एक स्टैंड, और अब इसमें हम डाल देंगे पानी। मतलब ढोकले बनाने के लिए हमें स्टीम की ज़रूरत है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा पानी। ये चला गया पानी, अब ये बॉईल होना स्टार्ट करें और इधर हम ये इसका बैटर बना लेते हैं। चलिए पहले हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा नमक टेस्ट के अनुसार, जितना हमें नमक चाहिए, थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर, और इसमें अब जाएगा शुगर। इसको अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे पानी। पानी एकदम से ज्यादा नहीं डालना है, थोड़ा 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 करके डालना है ताकि बैटर एकदम परफेक्ट बने। बैटर हमारा बन चुका है, अब बाकी जो चीजें हैं अब इसमें मिला लेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा तीखेपन के लिए ग्रीन चिली पेस्ट, अब जाएगा इसमें एक बड़ा चम्मच लेमन जूस, अब जाएगा इसमें अदरक का पेस्ट, अब इनको भी अच्छे से मिला लेंगे। अब देख सकते हैं बैटर इतना ही रखना है, ना पतला ना गाढ़ा, वरना ढोकला क्या फ्लफी नहीं होगा। पानी भी हमारा गर्म हो चुका है, अब लास्ट में अब इसमें जाएगा इनो। इसके ऊपर, इनो के ऊपर थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा पानी, बस। अब ये फर्मेंट होना स्टार्ट हो गया है, अब देख सकते हैं ये डब जो बैटर है ढोकले का वो डबल होने लगा है। बस अभी इसको एक पैन में रखेंगे और स्टीम पे रख देंगे हम लोग। पैन को हम अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे ताकि बिल्कुल भी ये चिपके ना। अब ये अच्छे से हो चुका है, अब इसमें जाएगा हमारा बैटर। परफेक्ट, पानी हमारा गर्म हो चुका है, अब पैन हमारा इसमें डाल देंगे केयरफुली। ये इसमें बैठ गया है, अब इसको ऐसे कवर करेंगे ताकि इससे हवा ना निकल पाए अच्छे से। चलिए हमारा हो गया है, ऑलमोस्ट कम से कम 30 मिनट लगेंगे इसको बनने में। तब तक हम देख लेते हैं कि तड़के के लिए हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले उसके लिए चाहिए हमें राई, हरी मिर्च, थोड़ा सा शक्कर, करी लीव्स, ये है थोड़ा सा हींग, और गार्निशिंग के लिए चाहिए होगा हरा धनिया, और ये है ग्रेटेड कोकोनट। चलिए अब आराम से इसको बनने देते हैं, फिर देखते हैं। चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा हमारा ढोकला कहाँ तक पहुंचा है। ओ माय गॉड,
आप लोग देख ही सकते हैं कितना ज्यादा ये ऊपर आ चुका है, डबल हो चुका है, बट अभी कच्चा है, पकने में और थोड़ा सा टाइम लगेगा। हम फिर से इसको अच्छे से कवर कर देंगे, ज्यादा नहीं, बस और 15 मिनट लगेगा, उसके बाद तैयार हो जाएगा हमारा ढोकला। तब तक के लिए इंतजार करते हैं। चलिए अब हमारा ढोकला परफेक्टली ये पक चुका है, बन चुका है, अब उसको उतार देते हैं आराम से। इसको थोड़ा सा बस 5 मिनट रेस्ट करने के लिए देंगे, उसके बाद निकालेंगे, वरना ये नहीं छूटेगा, वरना टूट फूट जाएगा। 5 मिनट हमारा हो चुका है, ये थोड़ा सा ठंडा भी हो चुका है। अब इसको कॉर्नर से पहले इसको चाकू से ही कर देंगे ताकि ये अच्छे से निकल जाए। चलिए ये हो चुका है, इसको अब हम ऐसे करके पलट देंगे। अभी भी थोड़ा थोड़ा गर्म है, बट ऐसे आई थिंक ये निकल जाएगा, काफ़ी गर्म है, इसको कपड़े से भी पकड़ना पड़े, इतना ज़्यादा गर्म है। अब लोग देख सकते हैं ढोकला हमारा परफेक्टली तैयार हो चुका है, अब इसको हम कट कर लेंगे। बहुत ही फ्लफी बना है, बहुत ही, ढोकला हमारा कट चुका है और अब देख सकते हैं कितना ज्यादा स्पॉन्जी बना है ये। अभी बस एक ही काम बाकी है, बस 5 मिनट लग जाएगा, बाकी हमारा फिर हो जाएगा ढोकला तैयार। अब बस इसको तड़का लगाना है। तड़के के लिए कढ़ाई हमारा गर्म हो चुका है, बस इसमें जाएगा तेल, इसके बाद इसमें जाएगा राई, इसको अच्छे से तड़कने देंगे। ये हो चुका है, फ्लेम थोड़ा ऑफ कर देंगे, थोड़ा मतलब कम कर देंगे। इसमें डालेंगे हींग, थोड़ा सा फ्लेवर देंगे। अब जाएगा इसमें ये हरी मिर्च, कड़ी पत्ता, थोड़ा सा हिला लेंगे। और थोड़ा सा सॉल्ट, एकदम जरा सा सॉल्ट। अब जाएगा इसमें चीनी, थोड़ी मिठास के लिए, मिठास इसलिए आप स्किप कर सकते हो आपका अगर नहीं चाहिए, बट ये मिठास से क्या है थोड़ा सा टेस्ट बैलेंस रहेगा। अब इसमें जाएगा पानी, तड़का रेडी हो चुका है, अब डाल देंगे हम इसके ऊपर ढोकले के ऊपर। बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है ढोकला, आप कभी भी खा सकते हो, इवनिंग स्नैक्स में ले सकते हो, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में ले सकते हो। फाइनली ये हमारा बन चुका है, बस थोड़ा सा इसको गार्निशिंग करेंगे। चलिए हो गया है हमारा, फाइनली बन चुका है हमारा ढोकला, अब बस इसे हम खाएंगे। आप भी घर पे ट्राई करिए और बताइए फिर हमें कैसा बना है। तब तक के लिए और एक और बात, मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय।